रघुवीर के जाने से बच्चे कैसे उदास हो गए, देखो ना कैसे चुपचाप बैठे। हाँ बापूजी, और महेश, बच्चों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, करे भी तो क्या करे, ये का सबसे प्यारा दोस्त जो उनसे दूर चला गया। स्मिता बापूजी, बच्चों के चेहरे पे खुशी वापस लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बालवीर के जाने से हम भी उदास हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए हमें झूठ मूठ ही सही हंसना तो पड़ेगा। अरे भाई, जो भाई इस बार छुट्टियों में एक धांसू प्लान बनाया है। अरे भाई, कोई पूछेगा नहीं कि क्या प्लान है? देखा बापूजी, स्मिता देखा, प्लान के बारे में सुन के बच्चे इतने शौक हो गए और शौक के बारे से चुप हो गए, है ना? अरे लेकिन बेटा मुझे तो बता क्या प्लान है। हाँ बापूजी, प्लान ये है कि इस बार छुट्टियों में हम लोग पिकनिक जाएंगे। ये महेश, आप तो जब पिकनिक पर ले जाएंगे तब ले जाएंगे, उससे पहले मैं बच्चों का मनपसंद खाना बनाऊंगी, खीर पूरी श्रीखंड ढोकला, कितना मजा आएगा इन लोगों को, है ना? देखा बापूजी, खाने का नाम सुनते इनके मुंह में पानी आ गया, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। खाली बातों से कुछ नहीं होगा, अब आम का सीजन आ गया है, मैं जाऊंगा अभी बाजार और नए नए आम लेके आऊंगा, फिर हम सब मिलके आम का रस पियेंगे। बच्चे पियोगे ना आम का रस? हाँ क्यों नहीं पियेंगे, सब लोग पियेंगे। लेकिन बापू जी, आम तो जब आएंगे तब आएंगे ना, उससे पहले हम लोग जाते हैं हॉल में, टीवी पे देखते हैं कि कौन सा पिक्चर आ रहा है, अच्छी सी एक पिक्चर देखते हैं ना। चलो चलो पिक्चर देखते हैं, सब लोग मिलकर आइए। चलो चलो पिक्चर देखते हैं। चलो भाई, ये कौन सा पिक्चर लगाया है? अच्छा सा कोई लगाना। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, हमें अभी अभी बच्चों के बीबीबी यानी बालवीर के बारे में खबर मिली है। बालवीर बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त अब नहीं रहा और कभी दोबारा उनके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि बालवीर की जगह अब बच्चों की मदद के लिए जयवीर आ गया है। तुम्हारा नाम जयवीर है, बालवीर नहीं। जानता हूँ। जानते हुए फिर भी तुम नीचे पृथ्वी लोक में बच्चों की मदद कर रहे हो? बच्चों को देख के तुम्हारा दिल पिघल गया है? गे फूल क्या है बनना तुम्हें कठोर और सख्त दिल परी भयंकर की तरह? जयवीर, तुम्हारा काम बालवीर का स्थान लेकर बच्चों की मदद करना नहीं है, बल्कि बालवीर ने जो बच्चों के दिल में स्थान बनाया है उसे खत्म करना है, समझे? हाँ, है निकालना तुम्हें उनके दिलों में से बालवीर के लिए प्यार, और है बनना डर परी भयंकर के लिए। पर जाने दो, ये होगा नहीं तुमसे। परी भयंकर, दे दीजिए ये कार्य भी आप मुझे ही करने के लिए। चुप करो तोबा तोबा, वरना बच्चों से पहले मैं तुम्हें अपने डर के समुंदर में डुबाऊंगा। भयंकर परी, मैंने मानव की मदद सिर्फ इसलिए की ताकि मैं पहले उन बच्चों का विश्वास जीत सकूं और फिर एक झटके में उनका विश्वास तोड़ दूं, क्योंकि इससे उन बच्चों को कई ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं, इस सब में अपना समय व्यर्थ मत करो। मैं जल्द से जल्द बच्चों की खुशियों की तबाही देखना चाहती हूँ, सुना तुमने? तबाही तबाही तबाही, और फिर उनके अंदर बसी हुई अच्छाई और सच्चाई का खात्मा करना है। उन्हें डराओ, तकलीफ दो, परेशान करो, क्योंकि इसी में भयंकर को खुशी मिलती है। ठीक है भयंकर पति, आज से उन बच्चों के हंसने के दिन खत्म।
हो एकलत का? मैंने एकवीरा आई के पास अपने देवा के लिए मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा देवा ठीक हो जाएगा ना तर मी तिची खाना नारायण ने ओटी भरी, तो फिर जल्दी से ये भोग लो और जल्दी से जाके चढ़ा के आ जाओ। लीजिए। शांता, शांता तो क्यों नहीं समझती, वो अपना देवा नहीं है। नहीं, वो हमारा बेटा देवा ही है। आपने उसे ठीक से देखा नहीं है। मैं पहचानती हूँ ना उसे, माँ हूँ उसकी। उसे देखते ही समझ गई थी कि वो मेरा बेटा देवा ही है। शांता अपना देवा दरिया में खो गया है। वही तो, समझिए ना कि दरिया ने हमारे बेटे को हमसे छीना था और अब दरिया ने उसे हमें लौटा दिया। आप भी मान क्यों नहीं जाते कि वो हमारा बेटा देवा ही है? और नहीं हुआ तो, अगर होश में आने के बाद उसने कहा कि वो देवा नहीं है और फिर अगर वो अपने परिवार वालों के पास जाना चाहेगा तो क्या हम उसे रोकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम ही उसका परिवार है। मेरा देवा अपनी आई और भाऊ को छोड़कर नहीं जाएगा, आप भी देख लेना। शांता तू जज्बाती हो रही है, तू सिर्फ एक मां बनकर सोच रही है, पर सोच, जिस तरह देवा के जाने के बाद तुझे दुख हुआ उसी तरह इसके परिवार वालों को भी अब दुख होता होगा, वो भी इसे कहीं ना कहीं ढूंढते होंगे। सोच सोच शांता, सोच। भगवान जी, माँ कहती है कि आप हम सब बच्चों के चेहरों पर खुशियां देखना चाहते हो। तो है अगर ऐसा भगवान जी, तो क्यों छीन लिया आपने हमसे हमारा सबसे प्यारा मित्र? अगर आप चाहते हो कि हम बच्चों की रक्षा और हम बच्चों के चेहरों पर खुशियां, तो फिर प्लीज आप हमारे बालवीर को हमारे पास वापस भेज दो। भगवान जी, बालवीर के बिना बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते। बालवीर के दूर जाने से हो गए सारे बच्चे बहुत उदास। भगवान जी, भगवान जी, आप हम सब बच्चों की मुस्कान वापस लौटा दीजिए। हाँ भगवान जी, लौटा दीजिए हमारे बालवीर को। बच्चों की खुशियों में शामिल भगवान जी, कौन बनाएगा हमारे त्योहारों को खास? भगवान जी, भगवान जी चाहे कुछ हो जाए लेकिन आपको हमारे बालवीर को हमारे पास भेजना ही होगा। हाँ भगवान जी, आज सुननी होगी आपको हमारी बात। हाँ भगवान जी, आपको हमारे बालवीर को हमारे पास वापस भेजना ही होगा। बालवीर कहाँ हो आप? बालवीर हमें आपकी जरूरत है, आपकी मदद चाहिए। बालवीर, बालवीर आप आ जाइए। बालवीर कब आएगा?
बालवीर अब नहीं आएगा बालपरी, ना ही हम में से कोई यहाँ से बाहर जा सकता है और ना ही कोई हमारी मदद करने के लिए परीलोक के अंदर आ सकता है। हम बहुत मजबूर हो गए हैं बालपरी, हमारा बालवीर हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम हमारे सामने भयंकर परी की गुलामी स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं नटखट परी, हमें ऐसे हार नहीं मान लेनी चाहिए। आप जानती है ना, सुबह होने से पहले ही अंधेरा सबसे घना होता है, लेकिन सूरज की एक किरण भी उस अंधेरे को खत्म कर देती है। वैसे ही हमारा बालवीर भी जरूर वापस आएगा और उसके आते ही परलोक में फिर से सच्चाई का सूरज जागेगा। आप देखिएगा। माँ 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 नटखट परी, नटखट परी, माँ माँ बालवीर, ये हमारे बालवीर की आवाज है। बालवीर, बालवीर जिंदा है। स्वादिष्ट है परी भयंकर, परी भयंकर, ठीक, तुम्हें तो दूंगा ही नहीं। ओहो, मुझे चाहिए भी नहीं। अरे तुम रोगी गिड़गिड़ाओ की मेरे सामने तो बात हो बाजी, दे दो ना मुझे लड्डू तो भी नहीं दूंगा। ना मैं रोऊंगी, ना मैं गिड़गिड़ाऊंगी और ना मैं तुमसे ये लड्डू मांगूंगी। अरे नाराज, तुम मेरे सामने नाचोगी भी ना तो बातों बाजी, दे दो ना मुझे लड्डू, दे दो बातों बाजी, दे दो ना मुझे लड्डू तो भी नहीं दूंगा। अरे मैं क्यों ना दूंगी, क्यों तुमसे मांगूंगी लड्डू, मुझे नहीं चाहिए लड्डू। चुप करो तुम दोनों। रानी परी, पूरे परीलोक में बालवीर की आवाज गूंज रही है। इसका मतलब है कि हमारा बालवीर लौटा है। काती परी, विजधार परी, आपने बालवीर की आवाज सुनी? हाँ नटखट परी, हम सब ने बालवीर की आवाज सुनी। हमारा बालवीर जीवित है, बालवीर वापस आ गया। बेटा अब तुम मुस्कुरा दो प्लीज। हाँ बेटा प्लीज, थोड़ा सा खा लो। बच्चों, इस तरह रोने से बालवीर वापस तो नहीं आएगा ना? बेटा मानव बल्लू, इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। और भगवान कभी भी बच्चों को उदास देखना नहीं चाहेंगे, वो तो हमेशा बच्चों की खुशी चाहते हैं ना। पापा, अगर हमेशा भगवान जी हमारे चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं, तो फिर आज हम सबके आंखों में आंसू क्यों है?
माँ 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 नटखटपरी नटखटपरी माँ 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 नटखटपरी नटखटपरी माँ माँ। बालवीर की आवाज तो आ रही है लेकिन बालवीर क्यों नहीं आ रहा? बालवीर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बालवीर आप कहाँ है? आप सामने आ जाइए बालवीर। कहाँ हो तुम बालवीर? सामने आओ। लो है कहते इसे कि आप बैल मुझे मार। ए, बालवीर है कहाँ वो बालवीर? माँ 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 नटखटपरी नटखटपरी माँ माँ रानी परी रानी परी रानी परी रानी परी। खुश रहो सभी परियां खुश रहो। तो ये तुम थे टुक टुक जो हमें पुकार रहे थे? हाँ गाल परी। टुक टुक ये क्या मजाक है? ऐसे बालवीर की आवाज नहीं निकालनी चाहिए थी आपको। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ बालवीर नहीं आया वरना तुम सबके सामने मुझे बालवीर को दोबारा समाप्त करना पड़ता। भयंकर परी। टुक टुक तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ पर तुमने बालवीर की आवाज निकालना वो कैसे सीखा? मुझे बालवीर ने ही अपनी आवाज सिखाई थी और बालवीर ने मुझे कहा था कि जब वो परीलोक में ना हो और आप सब उसके लिए उदास हो तो मैं उसकी आवाज में आप सबको पुकार के खुश कर दूं। बेवकूफ टुक टुक तोते अब ये परियां खुश नहीं होंगी क्योंकि मैंने इनकी खुशी पर ग्रहण लगा दिया है। अब ये परियां सिर्फ रोएंगी सिर्फ रोएंगी। समझे टुक टुक? और भयंकर परी की दासियां बनकर उनकी सेवा करेंगी। जयवीर ने तो पृथ्वी लोक जाके बालवीर की जगह ले ली है बच्चों को बचाने के लिए नहीं उन्हें रुलाने के लिए। भयंकर परी ना तुम रानी परी का स्थान ले सकती हो और ना ही जयवीर बालवीर का स्थान ले सकता है। हाँ कभी नहीं। और आज आज हमारे बालवीर की आवाज सुनकर हमारा दिल ये कह रहा है कि जरूर कोई शुभ संकेत है। भयंकर परी देख लेना बहुत ही जल्द हमारा बालवीर यहाँ हमारे साथ होगा और तुम्हें और जयवीर को समाप्त कर देगा। बालपरी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल click the show links and enjoy watching the videos.